हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो फर्स्ट अपने किसके लिए लिया था, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसका हमने रिलेशन फाइंड किया था। उसमें जो रिलेशनशिप होता है क्या होता है, नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस आर जो होती है क्या होती है, और रेडियस ऑफ स्फीयर जो होता है, रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो क्या होता है, नियरेस्ट डिस्टेंस डी का जो होता है वो हाफ होता है, यानी आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टू होता है। एंड एज लेंथ जो ए होती है वो क्या होती है, डी के इक्वल होती है। आज हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ए आर एंड डी फॉर द फेस सेंटर यूनिट सेल। तो हमारा चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट है। यस, रिलेशन बिटवीन हम पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नियरेस्ट नेबर्स एंड रेडियस ऑफ एटम्स आर, और इसमें साथ कंसिडर कर दे एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। जिसको ए सी रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है नेबरिंग डिस्टेंस इसको डी सी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ए आर एंड डी। मैंने वापस इसको थोड़ा सा, फर्स्ट जो है सिंपल क्यूबिक था उसका मैं एक बार लिखा देता हूँ। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं किसके लिए, ले रहे हैं फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। डायरेक्टली का मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूँ, सिंपल क्यूब कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए हमने रिलेशन देखा था, क्या देखा था, हमें यहां पे क्या मिला था, डी इज इक्वल टू ए एंड आर इज इक्वल टू, मैं क्या मिला था, डी यहां पे क्या है, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, ए जो होता है एज लेंथ होती है, एंड आर जो मिला था मैं क्या मिला था, ए बाई टू या फिर हम कहेंगे डी बाई टू, बिकॉज डी एंड ए जो होता है क्या होता है, सेम होता है। ये किसके लिए होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। हमें लाइन रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह इन बेसिस पे ध्यान रखना। कोई भी यूनिट सेल है, कैसे भी यूनिट सेल, तो उस यूनिट सेल में हमें पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग ऑलवेज रेडियस दे रखी, तो डिस्टेंस हमेशा रेडियस ऑलवेज क्या होती है, डी बाई टू होती है, या फिर एज लेंथ होती है ऑलवेज क्या होती है, इस फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं सेकंड पर लेते हैं फॉर फेस सेंटर यूनिट सेल। रिलेशन बिटवीन ए डी एंड आर फॉर द फेस सेंटर यूनिट सेल।
फिर सेंटर्ड यूनिट सेल है उसके लिए रिलेशन क्या होता है, किसमें है, ए आर एन डी का। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट सेल को ड्रॉ करते हैं, फेस सेंटर। फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं। फेस सेंटर यूनिट सेल उसमें क्या होता है, ये क्यूबिक यूनिट सेल है। अब फेस सेंटर यूनिट सेल का मीनिंग होता है, एटम जो होते हैं क्या होते हैं, प्रिमिटिव पोर्शन पे तो हो गए ही, प्रिमिटिव पोर्शन के साथ साथ एडिशनल जो पार्टिकल्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब की जो फेसेस होते हैं उस पर होते हैं। हम किसी एक फेस को कंसिडर करके हम इसको चलते हैं, सपोज मैंने ये फेस है, इस फेस को कंसिडर किया है, यहाँ पे एक पार्टिकल ये है फेस सेंटर वाला, और प्रिमिटिव पोर्शन जो होते हैं वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, तो मैंने ये प्रिमिटिव पोर्शन का ये पार्टिकल्स है, एंड अगले जो पार्टिकल्स मैं ले रहा हूँ हमें इसके डायगोनल ड्रॉ करनी है, मैंने क्या लिया, ये पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स होते क्या है, ये सभी पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की फॉर्मूला बर्न कर दी है, बट रियल में जो क्यूब में क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। थ्री जो फेस के थ्री पार्टिकल्स होते हैं, ये कॉर्नर का है, ये कॉर्नर का और ये फेस का, ये इनकी जो रेडियस होती है क्या होती है, इस फॉर्म से टच करते हैं, इस पर जो होते हैं टच करते हैं। अगर मैं इसको बड़े साइज में बनाना चाहे तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, ये यहाँ पे होता है, तो दिस ऑल पार्टिकल्स आर टच टू ईच अदर। तो फेस सेंटर को हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फेस डायगोनल ड्रॉ करते हैं, मैं एक पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, लेवल कर देता हूँ, दिस ए बी सी एंड डी, ये मैंने फोर पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए बी सी एंड डी। हमें क्या फाइंड करना है, फेस डायगोनल फाइंड करनी है। ये जो है यूनिट सेल, इस यूनिट सेल की ये क्या होती है, इसकी एज लेंथ होती है, बिकॉज क्यूबिक यूनिट सेल जो ये डिस्टेंस हो सेल की सब डिस्टेंस ही होगी। अब ये जो स्पेस सभी स्पेस इन सभी स्पेस की रेडियस क्या होती है, आर लेता हूँ उसकी, इसकी भी रेडियस आर होगी, ये इसके डायमीटर होती है, रेडियस यहाँ से कंसिडर करेंगे तो ये रेडियस के लिए क्या होगी, आर होगी, सेम की सभी होगी। ये हमें लग रखना है, ये एटम्स और ये एटम्स आपस में क्या होते हैं, टच में रहते हैं, आपस में क्या होते हैं, टच में रहते हैं। तो ये फेस वाले एटम्स होते हैं क्या होते हैं, फेस डायगोनल एटम्स आर, थ्री एटम्स ऑफ फेस डायगोनल आर टच टू ईच अदर, थ्री एटम्स ऑफ फेसेस आर, ये थ्री फेस के, ये फेस का एटम है, ये एंगल कॉर्नर का एटम्स, ये तीनों एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट रहते हैं, टच में रहते हैं। एटम्स और स्पेयर्स, डायगोनली ये जो फेस डायगोनल के थ्री एटम्स होते हैं, थ्री एटम्स ऑफ द फेस डायगोनल्स आर टच टू ईच अदर, ये तीनों एटम्स आपस में क्या होते हैं, टच होते हैं। अब इनमें ए आर ओ डी का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक राइट ट्राइंगल लेता हूं, नाउ इन राइट ट्राइंगल कॉन्टेक्ट
कौन सा कंसिडर करता हूँ, जैसे मैंने लिया है ए सी डी, कोई भी कंसिडर करते हैं, ए बी सी कर सकते हैं, ए सी डी कर सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ ए बी सी, राइट एंगल ए बी सी, यस इन राइट ट्राइंगल ए बी सी क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर राइट ट्राइंगल हम क्या कंसिडर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम फेस डायगनल, दिस इज ए सी इज अ फेस डायगनल, तो फेस डायगनल ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, मैं कोई भी दो साइड ले सकता हूँ, ए डी स्क्वायर ले सकता हूँ या फिर बी सी स्क्वायर ले सकता हूँ या फिर इनमें से किसी भी कंसिडर कर सकता हूँ, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यस ए डी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, फेस डायगनल में फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज होती है क्या होती है, अनदर टू साइड्स होती है उसके सम के स्क्वायर के इक्वल होती है, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए सी डी सी स्क्वायर, या फिर मैं ये भी ले सकता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एक ही बात है कोई भी कंसिडर करिए, अब ये एज लेंथ ए है तो क्योंकि ये भी साइड क्या होगी, एज लेंथ ए ही रहेगी, ये भी क्या रहेगी, ए ही होगी, अब ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, या फिर मैं इसको ले सकता हूँ, या फिर ए डी स्क्वायर इज इक्वल क्या है, इक्वल मैं लूंगा ए स्क्वायर, बिकॉज ए डी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए स्क्वायर हो गया, एंड डी सी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये भी ए स्क्वायर है, यस, एंड अब इसकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे, ए सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर फिर फेस डायगनल जो है, ए सी यहाँ पे क्या है, फेस डायगनल है, तो फेस डायगनल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए कंटिन्यू करता हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके क्या है, इज इक्वल मैं ले सकता हूं फोर आर, ए सी स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, या फिर मैं इसको पुट करने से पहले ये लिखता था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एड करिए टू ए स्क्वायर, और ए सी जी को लो क्या रहेगा, रूट टू ए सी जी को लो क्या आएगा, रूट टू ए, अब यहां पे देखिए थ्री स्पेस है, ए सी जी को लो क्या मिलेगा हमें, ये रेडियस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर फोर आर, मैं लिखूंगा ए सी जी को लो क्या मिलेगा, फोर आर, अब ए सी की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसमें इज इक्वल टू फोर आर, तो हमें क्या मिलेगा, फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए, फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए, देयरफॉर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू ए अपॉन फोर, रूट टू ए अपॉन फोर, या फिर हम इसको सिंप्लीफाई तौर से करें तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए अपॉन इसको सॉल्व करना है टू रूट टू, ए इक्वल टू रूट टू, ये क्या है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड
radius of a sphere. This is a relation between the length of unit cell and the radius of sphere. अब जो d जो होता है क्या होता है ये हमें लाना है, d इज इक्वल टू, d क्या है, नेबरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, इज इक्वल टू क्या होता है, a बाई टू होता है. d जो होता है क्या होता है, a बाई टू होता है. इस फॉर्म हम इसको d को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, d इज इक्वल टू a बाई टू, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या रहेगा, अब d और a का जो रिलेशन में मिलेगा क्या मिलेगा, मैं लिख सकता हूं डी इक्वल क्या होगा, रूट टू ए अपॉन टू, डी इक्वल टू रूट टू ए अपॉन ए, ये इसका रिलेशन रहेगा बिकॉज डी इक्वल क्या आता है ए अपॉन टू, हमेशा डी की वैल्यू जो होती है एज लेंथ की हाफ होती है, ऑलवेज डी है डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स या स्पेस, बेसिकली अपनी बॉन्ड लेंथ की इक्वल होती है, बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं इसको, यस, टू एटम्स होते हैं, टू स्पेयर है, उसके न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस होती है, उनको अपन डी से डिफाइन करते हैं. ये हमारा जो है क्या है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड ए आर डी फॉर बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल है उसके लिए रिलेशन रहेगा. तो बेसिकली आर जो होगा वो भी क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर इक्वल टू डी बाई टू, आर ए बाई टू का होता है, तो आर और डी का रिलेशन देखा तो क्या होता है, डी बाई टू होता है, डी जो होता है ए बाई टू होता है, आर जो होता है डी बाई टू होता है. तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल मैं वापस वही मिलेगा रूट टू बाई टू. ये ध्यान रखना यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं डी, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स एज पेयर, ये डी होता है. अब सिंपली बेसिकली हमें लिखा है डी जो होता है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखूं कि ये इस फॉर्म में होते हैं, ये सभी एटम्स होते हैं दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, डी में ही होता है, फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर रिंग की पोजीशन ही होती है. All three atoms या spheres are touch to each other. एक atom से sphere, इसकी radius को क्या कंसिडर करूँगा, this radius r, इसके लिए भी r होगी, this is r, this is r, so sc is equal to किसके को 4r. अब radius and this is distance between two nearest neighboring atoms, so इसका nearest neighbor ये है, इसका nearest neighbor ये है, इनके बीच की distance पर पूछिए, इस डिस्टेंस को हमने क्या लिया, आर लिया. और ये जो होती है इसको अपन बोलते हैं फेस डायग्राम, दिस इज अ फेस डायग्राम, ये चीज बोलो फेस डायग्राम, यस, तो ये हमें लगाना है. नेक्स्ट अपन कंसीडर करते हैं रिलेशन बिटवीन ए आर डी एंड डी फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स. Relation between A, R and D for body center unit cell. Third, relation between A as length होती है, R radius of sphere होती है. And D nearest distance between two neighboring atoms A, R and D, इनका हमें रिलेशन फाइंड करना है, किसके लिए करना है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल. तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, फेस सेंटर में हमने क्या किया, फेस डायगनल ड्रॉ की थी, बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो होती है उसमें क्या करते हैं, हम बॉडी डायगनल ड्रॉ करते हैं,
और बॉडी डायगनल के अलोंग या बॉडी डायगनल के पास में जो आने वाले थ्री स्पेयर्स होते हैं क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक एटम जो होता है, हम इससे पहले जो यूनिट सेल के बारे में पढ़ चुके थे, बॉडी सेंटर क्यूब्स होता है, तो बॉडी सेंटर क्यूब भी यूनिट सेल क्यूब में जो होता है या फिर क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें क्या होता है, उनमें प्रिमिटिव पोर्शन के साथ साथ जो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी। यस, तो पहले हम देखते हैं ड्रॉ करते इसको, बॉडी सेंटर को क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल या बॉडी सेंटर क्यूब भी कहेंगे, एक ही बात है, बिकॉज यूनिट सेल को हम यहाँ पे जो कंसिडर करते हैं क्यूबिक हमें कंसिडर कर रहे हैं। फेस सेंटर में हमने फेस डायग्राम लिए डायग्राम ली थी, और बॉडी सेंटर के लिए पर क्या करेंगे, बॉडी डायग्राम को कंसल्ट करेंगे। और एटम जो होते हैं क्या होते हैं, ये मैंने इस पर लिया एटम लिया, कहाँ पे लिया है, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी। और एनी टू, कोई भी टू पार्टिकल्स रहते हैं किसी भी टू प्लेसेस के कॉर्नर पे रहते हैं, एक टू पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिया, इस पार्टिकल्स एंड इसके अपोजिट जो फेस कौन सी है, कॉर्नर जो है कौन सा है, एक हमने यहाँ से कभी थ्री पार्टिकल कंसिडर करते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, फेस डायगनल ड्रॉ करते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये थ्री आ जाते हैं, ड्रॉ द फेस डायगनल, थोड़ा सा पार्टिकल को नीचे बनाना है, दिस इज अ फेस डायगनल, फेस सेंटर, तो इसमें एक और अपन डायगनल यूज यहां पे लेंगे, कौन सी डायगनल, बॉडी सेंटर, सॉरी ये बॉडी डायगनल है, ये फेस डायगनल है, ये बॉडी डायगनल, दिस इज अ फेस डायगनल, फेस को कंसीडर करते हैं, ये बॉडी का सेंटर है तो बॉडी डायगनल इसको, एंड दिस इज अ बॉडी डायगनल। थोड़ा सा उसको मार्क करते हैं, लेबल करते हैं, ताकि हम इजीली इसकी कैलकुलेशन कर सकें। अगर मैं इसको ए ले रहा हूँ, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, बस इतने पॉइंट ठीक है, बाकी वालों को कंसिडर करने की जरूरत है। यस, हम यहाँ पे टू ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, तो फर्स्ट तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन द फेस एंड बॉडी सेंटर यूनिट साइज ऑल थ्री एटम्स लाइव एट द बॉडी, center of the bodies and corners are touch to each other, ये जो three atoms होते हैं आपस में क्या होते हैं, contact रहते हैं, touch में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक sphere जो होती है, मैं पता है उसी sphere की radius होती है, क्या होती है, कोई भी sphere उसकी radius r होती है, this is radius of sphere, yes, and this is its length, unit cell की length, क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक में सभी साइड्स होती है, क्या होती है, इक्वल होती है, ए ए ए ये सभी क्या है, एज लेंथ इसकी यूनिट सेल। अब इनमें रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, फर्स्ट कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, या फिर कोई भी ले सकते हैं, ट्राइंगल ए एफ सी भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल भी कह सकते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी या ए एफ सी, ए एफ सी
ये जो हमने राइट ट्राइंगल लिया है कौन सा लिया है, ए एफ सी। ए एफ सी क्या मिलेगा इसमें, ए सी स्क्वायर। इसकी फेस डायगोनल है किसके इक्वल होगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। यस, इसमें हमने हमें क्या लिखा है, ए एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए एफ ए के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एफ इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ दिस। एफ सी भी क्या है, यही है सी एफ एफ सी इज इक्वल टू क्या है, ए है। यस, और इसको मैंने क्या यूज किया है, फेस डायगोनल मैं डी कंसिडर कर सकता हूँ, डायगोनल है तो डायगोनल के लिए सिंबल मैं डी ले सकता हूँ। तो फेस डायगोनल डी इक्वल टू क्या मिला है, ए सी इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, फेस डायगोनल, ये मैंने पूरी डी कंसिडर की, ए सी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्या, ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो अपना पहले वाले टॉपिक में किया था, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल क्या मिलेगा, रूट टू ए, या फिर मैं ले सकता हूँ ए सी इज इक्वल किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। मैं ए सी को डी मान सकता हूँ, तो डी इज इक्वल मुझे क्या मिला है, रूट टू ए, या फिर मैं इसको फोर आर के फॉर्म में कंसिडर कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ ए सी टू दिस। अब सेकंड केस में कंसिडर करता हूँ किसको करता हूँ, नाउ राइट ट्राइंगल ए सी डी, अभी पूरा जो राइट ट्राइंगल है इसको कंसिडर करते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे एक साइड जो होती कहाँ से जा रही है, फेस डायगोनल से होती। इसको मैं यहाँ तक कंसिडर करके लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर वन from right triangle ACD। ये जो right triangle है ACD है, इसमें मैंने face diagonal पता कर दी, तो face diagonal को यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मैं C by जो भी ले रहा हूँ, चलो मैंने इसको C लिया है, this is a face diagonal, यहाँ से लेके यहाँ तक, sorry body diagonal, sorry राइट ट्राइंगल दिस। सो बॉडी डायगोनल ए डी इज इक्वल क्या मिलेगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, बिकॉज राइट ट्राइंगल है, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, टू ए स्क्वायर के स्क्वायर, एंड डी सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए डी स्क्वायर इज अ फेस डायगोनल इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर, यस इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर। सो ए डी को हम कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, मैंने सी ले लिया है, तो थोड़ा समय इसको एडजस्ट करते हैं, तो ऐसे तो हो गया था, इसको एडजस्ट करते सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर और सी इज इक्वल टू रूट थ्री ए, सी इज इक्वल रूट थ्री ए। सो सी इज इक्वल क्या होगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, सी इज इक्वल क्या है, फोर आर है, बिकॉज यहाँ पे एक टोटल वॉल स्पेयर जो है इसमें डायगोनल आर प्लस आर, बी इज इक्वल टू आर क्या, या और यार, बिकॉज मैंने बताया कि जो जो एटम्स होते हैं स्पेयर होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को टच करते होते हैं। सो फोर आर इज इक्वल क्या लिखेंगे, रूट थ्री ए
देयरफॉर आर इज इक्वल क्या रहेगा, रूट थ्री बाई फोर ए, आर इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड इट्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल. This is a relation between radius of a sphere and length of unit cell. So, R is equal to radius of a sphere. Space or atom is the same. Because some atoms are spherical, consider karte hain. And A jo hai kya hai? Is length. फोर का जो रिलेशन अपन देखें, सो रेडियस आर इज इक्वल टू डी बाई टू होती है. पता चलता है कि यहाँ पे रेडियस पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं कंसीडर करेंगे बाद नहीं करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन टू डब्लिंग एटम, सो रेडियस आर इज इक्वल क्या होता है, डी बाई टू होता है. तो आर और इसका रिलेशन जो होता है क्या होता है, ए का इसको कंसिडर करते हैं तो इज इक्वल हमें क्या मिलेगा, सेम वापिस वही मिलेगा, रूट थ्री बाय टू ए. दिस इज रिलेशन बिटवीन ए आर एंड डी फॉर बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल. वेरी इंपॉर्टेंट, इस बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह जो है या हमारा भी बोर्ड एग्जाम होता है उनमें भी वन मार्क का जो क्वेश्चन जो होता है डायरेक्टली पूछ सकते हैं. सिंपली पूछते हैं कि राइट द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर फॉर द बॉडी सेंटर. तो इसको अगर मैं समअप के फॉर्म में लिखूं, जो हमने तीनों पर तीनों को एक साथ अगर मैं लिखूं क्या मिलेगा, ए आर और डी का इसका रिलेशन जो होता है किसके लिए, आर इज इक्वल ए बाय टू किसके लिए होगा, और सिंपल क्यूबिक यूनिट से प्रिमिटिव कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए होगा. फिर उन्हें क्या पढ़ा था, आर इज इक्वल ए अपॉन टू रूट टू किसके लिए होगा, फेस सेंटर के लिए होगा, और एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होता है. एंड आर यू क्यूब ने क्या पढ़ा, फिर रूट थ्री बाई फोर ए किसके लिए, फोर एफसीसी फेस सेंटर के लिए, सॉरी बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर के भी क्लोज फैक्टर बी सी सी या बॉडी सेंटर के यूनिट सेल, ये हमें लर्न रखना है. और ए और डी का जो रिलेशन जो था ऑलवेज हमें लर्न रखना है, डी हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज ए बाई टू, डी जो होता है ऑलवेज ए बाई टू के इक्वल होता है. ऑलवेज कोई भी किसी भी टाइप की यूनिट सेल हो, डी हमेशा इसका हाफ होता है. यस, तो ये सिंपल इनके क्या थे, रिलेशन था. इस रिलेशन बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हमारे. तो मैं एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको कराता हूँ. फॉर्मूला जो बनता है इस टाइप की क्वेश्चन होती है, उनका क्या फॉर्मूला बनता है, हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव नीट आई आई टी हम के लिए भी. इस टाइप के यूजली जो क्वेश्चन जो है हमें पूछे जाते हैं, आर क्यूबिक क्रिस्टलिक सॉलिड्स मतलब क्वेश्चन जो है ये, आर क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड बाय या फॉर्म बाय
एटम्स ए एंड बी। एक क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो एटम ए और बी से मिलकर बना होता है। एटम्स एटम ए इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी या सेंटर ऑफ क्यूब, बॉडी का जो सेंटर है उस पर रहता है। एट द सेंटर ऑफ द बॉडी और क्यूब एंड एटम बी एट द सेंटर ऑफ फेसेस। सेंटर ऑफ फेस क्यूब की जो फेसेस होती है उसके सेंटर पे एटम कौन सा है? बी है। हमें क्या पूछा है? राइट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे ए बी टाइप के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका फॉर्मूला पूछा है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? राइट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड? आयरन सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमें सॉलिड का फॉर्मूला पूछा है। सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो बारे बार पढ़िए, एक क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है क्या करते हैं, टू टाइप्स के एटम से मिलकर बना होता है। एक एटम ए एंड एटम बी है। एटम ए जो है कहाँ पे है, जो क्यूब जो होता है यूनिट सेल है, क्यूबिक क्रिस्टलाइन लैटिस है, उसका जो सेंटर है उस पर मिला है। एंड एटम जो बी जो है कहाँ पे है, फेस होती है क्यूब की, उस फेस पे है। हमें पता है क्यूब की 6 फेसेस होती है, तो उस फेसेस के साथ होता है। इसको करने से पहले, हालांकि मैं आपको पहले करा चुका हूँ, तो थोड़ा सा मैं इस फेसेस का डायग्राम जो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली इसका समझ में आए। हमें ये पूछा है, ये क्यूबिक क्रिस्टलाइटिस है यानी क्यूब है। हमें टू टाइप्स के आइटम दे रखे हैं, एक तो उसकी बॉडी के सेंटर पे आइटम दे रखा है, दूसरा जो है तो कोई भी हम फेस ले रहे हैं, कोई फेस ले रहे हैं, फेस के सेंटर पे आइटम है। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कौन सा आइटम है? एटम ए है, ये एटम ए की पोजिशन है एंड ये एटम बी की पोजिशन है। हमने एटम्स का अरेंजमेंट पढ़ा था, उस एटम में इस पर्टिकुलर एटम का जो है इस यूनिट सेल के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है कितना होता है, इसके बारे में मैंने क्या बताया था? जो फेस पे एटम होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है कितना होता है, 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और जो बॉडी के सेंटर पे होता है इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसके साथ में टोटली 1 होता है, बिकॉज ये अपने आप को किसी और यूनिट सेल के साथ में अपने आप को शेयर नहीं करता है, ये दूसरी यूनिट सेल के साथ जो है शेयर करता है, यानी इसका इस यूनिट सेल्स के साथ जो कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है। हम इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड कह सकते हैं, क्रिस्टल कह सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा ए, मैंने लिखा बी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 होता है। और बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है। ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है। यस, अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है? 6 होती है। मैं इसको क्या करूंगा 6 से, बिकॉज ये एक एटम को कंसिडर नहीं करना है, पूरे क्रिस्टलाइटिस के अंदर जो 6 फेसेस होती है हर एक फेस पे एक एटम होता है। ऐसा नहीं कि जो एक फेस का ही एटम कंसिडर करेंगे, जितनी टोटल नंबर ऑफ फेसेस होती है सभी को कंसिडर करें, लेकिन एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही होता है और नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। चलो मैं पहले तो इसका ये लिखता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम्स, ए का 1 होगा, बी का जो होगा 1/2 होगा। नंबर ऑफ एटम्स फेस का सिर्फ एक ही होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है? 6 होती है।
इज इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स में 1 एंड 3 मिला, 1 एंड 3। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा, सिंपली 1 और 3 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कैसे हम चाहते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली।